क्या आप ये बात जानते हो, जो लोग बहुत कम बोलते हैं उनमें ब्रेन डैमेज का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं या फिर कम सोचते हैं, उनके दिमाग की जो कोशिकाएं होती हैं निष्क्रिय होकर सिकुड़ने लगती हैं, इसलिए उनमें ब्रेन डैमेज का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ वो मैं आपको पहले बता दूँ। दिमाग हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है आप सबको पता ही है, और आपको ये भी अच्छे से पता है कि हमारे शरीर का हर पार्ट हमारे दिमाग से ही संचालित होता है। तो ऐसे में हमारे दिमाग को स्वस्थ रखना सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंस काम यही है। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी आदतें बताने वाले हैं जो कि आपके दिमाग की कैपेसिटी को कम कर देता है। तो प्लीज़ ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ताकि हम आपकी मदद कर पाएँ और आप अपने दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ा पाएँ उन आदतों को बदल के। तो चलो वो आदतें देख लेते हैं क्या है जो आपके दिमाग की कैपेसिटी को कम कर रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली आदत की, बहुत कम ना बोलें। मैं आपको बता दूं, WHO के एक रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया है कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं या फिर बहुत कम सोचते हैं उनके दिमाग का डैमेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो बोलते या फिर सोचते नहीं हैं तो उस टाइम पर उनका दिमाग निष्क्रिय होता है, जिसकी वजह से उनकी कोशिकाएँ निष्क्रिय होकर सिकुड़ने लगती हैं, जिस वजह से उनके दिमाग के डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर वहीं पर आप बोलते या फिर सोचते रहते हो तो उस समय पे आपके दिमाग की कोशिकाएं सक्रिय रहती हैं, जिससे कि आपके दिमाग का एक्सरसाइज हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज दिमाग को स्वस्थ ही बनाएगा। इसीलिए अगर आप बोलते रहते हो या फिर कुछ सोचते रहते हो तो आपके दिमाग की कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये चीज़ ज़रूर करना, बहुत कम बोलना छोड़ देना। चलो अब बात करते हैं दूसरी आदत की, जो कि आपके दिमाग की कैपेसिटी को घटाता है, नींद को इग्नोर ना करें। मैं आपको बता दूं, WHO के एक रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया है कि जब हम लोग सोते हैं तो उस समय पे हमारा दिमाग एकत्रित होकर टॉक्सिक जो एलिमेंट होते हैं उनको बाहर निकालकर खुद को साफ करता है। तो ऐसे समय पे अगर हम कम सोते हैं तो उत्सर्जन की यह प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। ऐसे में यह जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इससे कोशिकाएं मरने लगती हैं या फिर उनमें कुछ ना कुछ डैमेज होने लगता है और हमारा दिमाग अस्वस्थ हो जाता है। ऐसे में हमारा दिमाग कमज़ोर होने लगता है। तो इसलिए जब भी आपको नींद आए तो समझ जाना कि ये प्रक्रिया होने वाली है, और जाके एक नींद ले लेना ताकि आपका दिमाग स्वस्थ रहे। इसीलिए मैं आपको बता दूं, जब आप सो के उठते हो तो उस समय पे आपको बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फील होता है। यही कारण है कि आपको फ्रेशनेस फील होता है, क्योंकि आपका दिमाग उस समय पे बहुत ज़्यादा स्वस्थ फील करता है। चलिए अब बात करते हैं अगली आदत, जो कि आपके दिमाग की कैपेसिटी को बहुत कम कर देता है, मत करें धूम्रपान। मैं आपको बता दूं, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के दिमाग की संज्ञानात्मक क्षमता बहुत कम होती है, और आपको जान के हैरानी होगी, ऐसा बहुत सारा रिसर्च ये चीज़ प्रूफ भी कर चुका है। और आपको बता दें, इसके अलावा धूम्रपान से याददाश्त होना या फिर सीखने समझने की जो क्षमता होती है उसमें भी कमी आ जाती है। और आपको जान के हैरानी होगी, धूम्रपान से डोमेटिया और अल्जाइमर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आप धूम्रपान करते हो तो ये आदत छोड़ देना, ताकि ये आपके दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ा सके। चलिए अब बात करते हैं अगली आदत की, जो कि आपके दिमाग की कैपेसिटी को कम कर रहा है, प्रदूषित जगह से दूर रहें। मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रदूषित जगह पर रहते हो तो आपको ये आदत सबसे पहले छोड़ना चाहिए। ऐसा क्यों, आपको अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिए। मैं आपको बता दूं, हमारे दिमाग को अच्छी तरह से काम कराने के लिए हमारे शरीर के अन्य पार्ट की तुलना में दिमाग को 10 गुना अधिक ऑक्सीजन चाहिए होता है। और इसी में अगर आप प्रदूषित जगह पर रह रहे होते हो तो उस समय पे हमारे दिमाग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से दिमाग के कार्य करने की जो क्षमता होती है कम हो जाती है, और फाइनली हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो अगर आप प्रदूषित जगह पर रह रहे होते हो तो ये आदत बदल लो, कभी भी प्रदूषित जगह पर ना रहो। हो सकता है तो शिफ्ट कर लो अपना घर अगर प्रदूषित एरिया में है, क्योंकि आपके दिमाग की कैपेसिटी इससे बहुत कम हो रही है। अभी मैंने जितने भी आदतें बताएं उनमें से कौन सी आदत आप में बहुत ज़्यादा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या आपका दिमाग प्रॉपरली काम करता है? और हाँ, अगर काम करता है तो ये बताओ, कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि आप कोई सामान रख के जस्ट यूं ही भूल जाते हो? ध्यान देना और इन आदतों को अप्लाई करना अपनी लाइफ में, ये सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और आप कुछ भी रखोगे तो वो
याद रहेगा हमेशा के लिए। मिलते हैं किसी और नई ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल वीडियो के साथ। अगर आपको साइंस और एक्सपेरिमेंटल वाली वीडियो देखने में मज़ा आता है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लो, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो बनाते रहते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देता है। तो मिलते हैं किसी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। और वीडियो देखने के लिए चैनल में जाके देख सकते हो। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।